अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे बात करेंगे। ये वो लीडरशिप स्टाइल है जो कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से टोटली अपोजिट है। डेमोक्रेटिक में हर टीम मेंबर अपनी इनपुट देता है और उसकी बेस पे लीडर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, इस लीडरशिप में टीम मेंबर अपनी कोई राय नहीं दे सकता। इसमें जो है जो लीडर होगा वो खुद ही डिसीजन मेकिंग करता है और लीडर डिसीजन मेकिंग करने के बाद सब टीम मेंबर्स को बता देता है कि ये मेरा डिसीजन है और आपको ये फॉलो करना है जो मैंने कहा है, ठीक है। और फिर वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट करता है कि जो इसने उन्हें हुक्म दे दिया है, जो बात कह दी है, वो उसे फॉलो करेंगे। इसे क्या कहते हैं, ये लीडरशिप स्टाइल है। क्योंकि ये लीडरशिप स्टाइल में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको जो भी लीडर कहेगा उन्होंने वही बात माननी है और लीडर ही हर काम में डिसीजन मेकिंग करेगा, लीडर ही हर ऑर्गेनाइजेशन का फैसला करेगा। फॉर एग्जांपल ये किस तरह की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय की पोस्टिंग करनी है या किसी का ट्रांसफ़र करना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है या उसका ट्रांसफ़र करना है, तो जो लीडर को लगता है वो अपनी मर्ज़ी से उसका ट्रांसफ़र कर देता है और वो मेंबर से मशवरा नहीं करता कि इसे भेजना चाहिए या नहीं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि किसी टीम की सिलेक्शन होती है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल की, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो या तो कोच करता है या कैप्टन करता है कि कीपर कौन होगा, स्ट्राइकर कौन होगा, डिफेंडर कौन होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह जैसे कि पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत सख्त होते हैं, जो कि उनकी औलाद होती है उनका हर फैसला वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ेगा, किस जगह ट्यूशन लेनी है, स्टडी के बाद वो कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे और उन्होंने पढ़ लिख के क्या बनना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद डिसीजन करते हैं पेरेंट्स। इसके अलावा जो है रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो जब कल्चर सेट करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये क्या होगा, रिलीजियस लीडर्स होता है और ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। अब हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इसके अंदर जब भी इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन क्विकली लेना हो तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेस्ट स्टाइल है, क्योंकि इसमें सिर्फ लीडर की राय दरकार होती है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये वहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्वायरमेंट होता है जहाँ, जिसमें हर फर्द का रोल पहले से ही उन्हें बता दिया होता है कि क्लियरली उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसने किसे फॉलो करना है, वो सब मतलब क्लियरली उन्हें बता दिया जाता है। इसके अलावा इसमें रोल एंड क्लैरिटी होती है, हर मेंबर को पता होता है कि इसने क्या काम करना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर की जाती है और इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एक ही बंदे ने जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उस लीडर को पता होता है कि उसने मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्पीट कैसे करना है। इससे क्या होता है, रिजल्ट जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, इसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। क्योंकि जब एक ही बंदा, एक ही लीडर डिसीजंस ले रहा होता है तो उसे पता होता है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और किस तरह से वो सक्सेसफुल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हें पावर नहीं दी जाती कि वो कुछ भी कर लें, वो जब भी उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो लीडर की तरफ देखते हैं कि अब इसका क्या डिसीजन आएगा, हम क्या करेंगे। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं कि इसमें मतलब हमें काम में मज़ा नहीं आ रहा या मतलब ये काम नहीं सही। फिर है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें क्या होता है कि क्रिएटिव नहीं वो जो होते हैं एम्प्लॉय, वो क्रिएटिव अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते क्योंकि लीडरशिप ने अलाउ नहीं किया होता, तो इस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते, जिसकी वजह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही जगह पे स्टक रहती है कि जो लीडरशिप, जो लीडर ने बोला है वही करना है, वही होगा। इस तरह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या डिसीजन मेकिंग लीडरशिप ये नहीं होती
और इसका मतलब इसका एंड में क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको ज़्यादा सक्सेसफुल वो नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स ये थी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अलावा लीडरशिप के चार स्टाइल्स होते हैं, वो मैं आपको इसी मेरे चैनल बाकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, बाकी सबको भी सजेस्ट कीजिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए क्या। तो आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अगर लीडरशिप स्टाइल्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे मिल सकते हैं।